फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है गिटार विद पुनीत। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप राग यमन गिटार पे कैसे प्ले कर सकते हैं, तो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप राग यमन को अपने गिटार में कैसे बजा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा राग यमन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, राग यमन एक बहुत ही प्राचीन राग है और ये थाट कल्याण से निकाला गया है और बहुत समय से लोग इस राग को गाते आ रहे हैं। और अगर आप इसका समय देखें तो ये राग का जो गाने का समय है वो अर्ली नाइट है, मतलब जब आपकी रात्रि शुरू होने वाली होती है उस समय ये राग को गाया जाता है। फ्रेंड्स, इस राग में आपके 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा तीव्र, पा, धा और नी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा राग यमन होता है इसमें जो मा होता है वो हमारा तीव्र होता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारी मूवीज़ में ये इन राग यमन का यूज़ हुआ है, जैसे कि संजय लीला भंसाली की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और मैंने उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हुई हैं और वो हमेशा अपनी मूवीज़ में राग यमन का यूज़ ज़रूर करते हैं। अगर आपने मूवी रामलीला देखी होगी तो उसमें एक लाल इश्क करके सॉन्ग था, वो भी राग यमन है। फिर बाजीराव मस्तानी में इबादत एक सॉन्ग था, वो भी राग यमन है। और पद्मावत, अगर आपने मूवी देखी होगी तो पद्मावत में एक गाना है, एक दिल एक चा, ये भी राग यमन पे है। तो वो अपने मूवीज़ में राग यमन का गाना एक ज़रूर रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत राग है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसका वेस्टर्न फेज दिखाता हूँ। वेस्टर्न में राग यमन को लिडियन मोड बोलते हैं। हाँ, और ये मोड में आपके 7 नोट्स होते हैं और हम मेजर स्केल में जो हमारा 4th नोट होता है, अगर हम मेजर स्केल का 4th नोट देखें, अगर हम उसको शार्प कर दें, अगर हम उसको सेमी टोन बढ़ा दें तो वो हमारा लिडियन मोड बन जाता है। तो फ्रेंड्स, सी मेजर में आपके नोट होते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। और अगर मैं 4th नोट जो कि एफ है, अगर मैं उसको शार्प कर दूँ तो वो लिडियन मोड कंसिडर किया जाता है, सी, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिडियन मोड होता है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गिटार में आप ये मोड कैसे बजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए स्ट्रिंग से। ए स्ट्रिंग में जो आपका 3rd फ्रेट होता है ये सी नोट होता है। फिर ए स्ट्रिंग में आपका जो 5th फ्रेट होता है वो आपका डी नोट होता है। डी स्ट्रिंग में आपका जो 2nd फ्रेट होता है वो ई नोट होता है। देन डी स्ट्रिंग में ही आपका 4th नोट एफ शार्प होता है। अगेन डी स्ट्रिंग में आपका जो 5th फ्रेट होता है वो जी होता है। देन जी स्ट्रिंग में आपका 2nd फ्रेट ए होता है। अगेन जी स्ट्रिंग में आपका 4th फ्रेट बी होता है। एंड जी स्ट्रिंग में आपका 5th फ्रेट सी होता है। और फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको राग यमन प्ले करके दिखाया था तो मैंने वो 2 ऑक्टेव में प्ले किया था, तो हम यहाँ से भी अब स्टार्ट करेंगे। तो जी स्ट्रिंग में आपका जो 5th फ्रेट होता है वो सी होता है। बी स्ट्रिंग में आपका 3rd फ्रेट डी होता है। बी स्ट्रिंग में आपका 5th फ्रेट
ई होता है, बी स्ट्रिंग में आपका सेवेंथ फ्रेट एफ शार्प होता है, ई हाई स्ट्रिंग में आपका थर्ड फ्रेट जी होता है, ई हाई स्ट्रिंग में आपका फिफ्थ फ्रेट ए होता है, ई हाई स्ट्रिंग में आपका सेवेंथ फ्रेट बी होता है एंड ई हाई में आपका एट फ्रेट सी होता है। तो फ्रेंड्स ये था लिडियन मोड, जो मैं आपको एक बार फिर से विद स्पीड प्ले करके दिखाता हूँ। ये एक ऑक्टेव और सेकंड ऑक्टेव, तो फ्रेंड्स ये हमारा लिडियन मोड है। अब इसको प्ले करने का तरीका किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने ये लिडियन मोड, सी लिडियन मोड मैं आपके सामने प्ले करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने फ़ोन में एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक तानपुरा की, जिसमें मैं सी नोट का यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को उसमें तबला मिलेगा। तो जब ये प्ले होगा तो उसके साथ मैं अपना सी लिडियन मोड यूज़ करूँगा। और फ्रेंड्स जब मैं प्ले कर रहा हूँ सी लिडियन मोड, तो इसमें मैं लिगाटोज यूज़ करूँगा, जिसमें कि हैमर ऑन, पुल ऑफ, स्लाइड, बेंड, ट्रिलिंग, इन सब के यूज़ करूँगा ताकि हमारा मेरा जो मोड है वो बहुत अच्छा सुनाई दे। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं जो लेसन है रिगार्डिंग लिगाटोज, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप सिर्फ मोड को सुनिए और इसको फील करिए।